भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रनों से हरा दिया है। बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के सामने 513 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन बांग्लादेश दूसरी पारी में 324 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। इसके पहले भारत ने टॉस जीतकर पहली पारी में 404 रन बनाए थे, जहां चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 90 रनों की पारी खेली थी। जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 150 रनों पर सिमट गई और भारत को 254 रनों की लीड मिली। इसके बाद शुभमन गिल के 110 और पुजारा के 102 रनों के शतक के दम पर टीम इंडिया ने दूसरी पारी 2 विकेट पर 258 रन बनाकर घोषित कर दी। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बांग्लादेश पर 188 रनों की जीत के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों साउथ अफ्रीका की 6 विकेट की हार के बाद भारत को एक और स्थान का फायदा हो गया। 13 मैचों में 120 पॉइंट्स और 76.92% अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 बना हुआ है, जबकि साउथ अफ्रीका की हार के बाद अब भारत तीसरे से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 13 मैचों में टीम इंडिया के 55.77% अंक हो गए हैं। उधर साउथ अफ्रीका 11 टेस्ट में 54.55% अंक लेकर तीसरे पायदान पर फिसल गया। 53.33% अंकों वाली श्रीलंकाई टीम चौथे पायदान पर खिसक गई है। बाकी टीमों की बात करें तो 44% पॉइंट्स वाली इंग्लैंड पांचवें पायदान पर है, जबकि 42.42% अंक लेकर पाकिस्तान फिलहाल छठवें नंबर पर कायम है। इसके बाद वेस्ट इंडीज 7वें, न्यूजीलैंड 8वें और बांग्लादेश की टीम 9वें पायदान पर रही।